नमस्कारम। ये स्वतंत्रता दिवस बहुत खास है क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के 75वें वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत ने 1947 के बाद एक लंबी यात्रा की है। हमने स्वास्थ्य, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की की है और सबसे बढ़कर हमने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पर आज भी देश के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हल करने के लिए नेताओं और हर नागरिक को जिम्मेदारी से जागरूक होकर काम करना होगा। तत्काल और स्पष्ट चुनौती निश्चित रूप से कोरोना ही है। मैं जानता हूं कि कई लोग वायरस को एक दुश्मन मानकर उससे लड़ना चाहते हैं। नहीं, कृपया वायरस से लड़ने की कोशिश न करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क पहनना, वैक्सीन लेना और अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है। भारत पहले से ही करीब 5 लाख लोग खो चुका है और दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोग मर चुके हैं। आइए अब इसका अंत कर दें। अगर हम नियम का पालन करें, जिम्मेदारी और होशपूर्वक जिएं, तो ये वायरस जरूर खत्म हो जाएगा। माना आज वायरस सुर्खियां बटोर रहा है, पर यह इकलौती चुनौती नहीं है जिसका सामना हमारी पीढ़ी कर रही है। और भी कई चीजें हैं जिन पर तुरंत कार्यवाही जरूरी है। इनमें से हमारी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है देश की मिट्टी की क्वालिटी का खराब होना। दुर्भाग्य से ये दुनिया के कई हिस्सों में एक सच्चाई है, पर खासकर भारत में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी भोजन और पानी की कमी खतरनाक साबित होगी। कुछ मॉनसून खराब रहे तो हमें इस देश में संघर्ष और गंभीर परेशानी का सामना करना होगा। अगर हम इसे नहीं बदलते तो हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसी धरती सौंपेंगे कि वे पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें बहुत धिक्कारेंगे। हमने ऐसी हालत बना दी है। ये बेहद जरूरी है कि हम लोगों के लिए समृद्ध मिट्टी, साफ पानी और स्वच्छ हवा छोड़ें, क्योंकि अच्छा जीवन धन से नहीं बल्कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और पौष्टिक भोजन से बनता है। मिट्टी के खराब होने से ये चीजें गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं। सॉइल डिग्रेडेशन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे संबोधित करना जरूरी है। महामारी की चिंता में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मिट्टी को देखभाल की जरूरत है। मैंने बहुत से विशेषज्ञों से इसके बारे में बात की है और हर जगह इस समस्या और इसके समाधान की पर्याप्त जागरूकता है। बस इसे लागू करने के लिए लोगों की जरूरत है। धरती पर अधिकांश राष्ट्र लोकतांत्रिक हैं, इसलिए ये जरूरी है कि बड़ी संख्या में लोग इसे समझें और मिट्टी की बेहतरी के लिए लंबे समय की प्रक्रियाएं लागू करने में सरकारों की मदद करें, जिससे पानी की कमी और दूसरी समस्याओं का भी समाधान होगा। आज हर जगह जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम पर आपदाएं आ रही हैं। जागरूक इंसानों के तौर पर हमें आपदा के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम जागरूक और सभ्य हैं तो हमें आपदा के आने से पहले जाग जाना चाहिए। आपदा कोई सुखद बात नहीं है, ये कोई खबर नहीं है, ये अखबार या टेलीविजन पर आने वाला कोई समाचार नहीं है। वहां मौजूद लोग या तो अपनी जान गंवा देते हैं या अपना सब कुछ खो देते हैं। इसे सुधारने के लिए सरकारी नीतियों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है, ताकि हम ये पक्का कर सकें कि काफी मात्रा में बजट और सरकारी शक्ति इस दिशा में लगाई गई है। इसके लिए सरकार की नीतियां बहुत जरूरी हैं। भारत की धरती की रक्षा के लिए सही नीतियां बनाना बहुत जरूरी है। भारत की मिट्टी बहुत जरूरी है। प्रशासन, उद्योग और लोगों की ओर से एक सख्त कार्यवाही अभी बहुत अधिक जरूरी है। ये अब कल की समस्या नहीं है, ये आज की समस्या है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये समस्याएं पिछले 50 सालों से बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले 50 वर्षों में हमने देश की मिट्टी की जैविक विविधता को जो नुकसान पहुंचाया है,
वो बहुत बड़ा है और माफ करने योग्य नहीं है। इसे ठीक करने के लिए एक प्रतिबद्ध और दृढ़ दृष्टिकोण जरूरी है और इसे बदलने के लिए लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। ये संभव है और यही हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। हमारा राष्ट्र कई संस्कृतियों का मेल है, कई जातियों का भी एक मेल है और हर तरह से हम एक मिश्रण हैं, लोगों का एक असंभव मेल है जो हमारी ताकत है और जो हमारी क्वालिटी भी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हालांकि छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ते हैं, पर जब वाकई बड़े मुद्दे आए हैं तो हमने हमेशा साथ मिलकर एक राष्ट्र के रूप में अच्छा काम किया है और एक बार फिर ऐसा करना जरूरी है। हम भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी देशवासियों को महामारी को हराने और भारत की मिट्टी को फिर से समृद्ध बनाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए और इस मिट्टी को समृद्ध बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी की समृद्धि स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन की समृद्धि को भी तय करेगी। हमारे जीवन की समृद्धि निश्चित रूप से राष्ट्र की समृद्धि तय करेगी, क्योंकि लोग और उनका आधार मिट्टी ही राष्ट्र का एकलौता धन है।